नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सी के राजू, आपके चिर परिचित। नमस्कार डॉक्टर राजू। नमस्कार नमस्कार। अभी एक समाचार आया कुछ दिनों पहले कि पोप फ्रांसिस ने, जो कि कैथोलिक चर्च के प्रमुख हैं, हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च, उन्होंने जो 15th सेंचुरी में एक डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी चर्च ने प्रोपाउंड किया था, प्रतिपादित किया था, उसको कहा है कि हम इसको खारिज करते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। और एग्जैक्ट जो वर्ड यूज किया उनके स्टेटमेंट में, वो मैं पढ़ देता हूँ। और वो कहता है स्टेटमेंट, द वेटिकन सेड The Catholic Church therefore repudiates those concepts. I'm using here repudiates those concepts that fail to recognize the inherent human rights of indigenous peoples, including what has become known as the legal and political doctrine of discovery. इसको आप कैसे देखते हैं? ये एक कोई प्रगतिशील कदम है, ये एक सिंसियर और ऑनेस्ट एक बात कही है, या कि लीपा पोती है? आप कैसे सोचते हैं? उसके पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताना पड़ेगा कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी है क्या, इसमें इन्होंने किया क्या, कितने करोड़ लोग इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी के तहत मारे, कितने लोगों का धर्म परिवर्तन किया, कितने लोगों की ज़मीनें छीन ली, कितने लोगों की सभ्यताएं और उनकी जो पूरी की पूरी जो नस्लें थी वो समाप्त कर डाली। जी बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई जेन्युइननेस बहुत मुश्किल है। तो पहले ये बता दूं, ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी है क्या? तो जैसे हमने सुना है कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, या मुझे बचपने में, मैं गया था एक स्कूल तो जो कि तब भी ब्रिटिश हिस्ट्री टेक्स्ट के सहारे हिस्ट्री पढ़ा रहा था, तो मुझे सिखाया गया कि वास्को डागामा डिस्कवर्ड इंडिया। तो मैं जरा अचंभे में पड़ गया कि भाई ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो ठीक है, इंडिया को कैसे डिस्कवर किया उसने, हम किधर थे? मैंने पूछा अपने टीचर से, हम कहाँ थे? क्योंकि भाई ये महाभारत का युद्ध हुआ, इतने साल पहले हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ, जो कि दिल्ली से बहुत दूर नहीं है। मैं दिल्ली में नहीं था, दूर था, लेकिन कुरुक्षेत्र सब जानते हैं। तो मैंने कहा कि भाई हम कहाँ थे फिर जब वास्को डा गामा डिस्कवर किया? तो टीचर को, टीचर ने कहा कि भाई हम तो यहीं थे। जो यहीं थे तो फिर क्या डिस्कवर किया, क्या खोजा उसने? तो ये डिस्कवरी वर्ड क्यों अटैच किया है? तो मेरे समझ में नहीं आया। अब क्या है, जैसे बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि जो कुछ भी अपने पाठ्य पुस्तक में दिया गया है वो सही है। अब शायद हमारी समझ गलत होगी, पुस्तक तो सही होना चाहिए। तो मैंने उसके लिए जो कहते हैं एपोलोजिया कंस्ट्रक्ट किया कि भाई वास्को ने क्या खोजा, उसने जो सी रूट टू इंडिया है वो खोजा, ऐसा सोचा मैंने। बिल्कुल गलत है, लेकिन बच्चों को क्या है, उनको सब मालूम नहीं रहता ना। जब बच्चा था तो सोचा, ऐसा गलत सोचा। फिर क्या हुआ कि ये 1498 में वास्को आया, 1998 में ये इसकी 500th एनिवर्सरी हुई। तो ये एक इंडो पोर्चुगीज कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, पहले तो उसको सेलिब्रेट करना चाहते, लेकिन बहुत लोगों ने उससे आपत्ति जताई कि ये क्या, कि कोई सेलिब्रेट करने वाली चीज़ है? तो सेलिब्रेशन तो थम गया, लेकिन जो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी है उसने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी, इंडो पोर्चुगीज कॉन्फ्रेंस करी। तो उसमें क्या था कि उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था ट्रेडिशनल नेविगेशन, जिसमें बहुत सालों से चल रहा था, काफी पैसे उसमें लगे थे, लेकिन रिजल्ट्स कुछ नहीं आए थे। तो मेरे को रोपिंग किया, मेरे को कहा कि आप जाओ लक्षद्वीप जाओ, और ये क्या है, ये नूरी टेबल्स क्या है, और ये कैसे करते हैं, आप जरा पता करो, खाली आपके समझ में आ गए। तो मैं गया, तब मैंने नेविगेशन पढ़ा, तो मैंने सीखा
कि भाई वास्को वो तो हिंदुस्तान आया एक हिंदुस्तानी के सहारे, जिसके बारे में वो खुद लिखता है कि वो उसको वो बोलता है मलेमो काना। मलेमो यानी ये अरबिक से है मुआदिम, जो कि रास्ता दिखाता है, और काना क्या है मेरे हिसाब से गणक है, कणक, कणक से गणक बनता है, तो कणक या गणक, तो वो उसको उन्होंने उसका नाम लिख दिया। उसको बोलता है पायलट, पायलट यानी जो बिल्कुल शोर के आसपास में नेविगेट करता है उसको पायलट कहते हैं, जो समुद्र में नेविगेट करता है उसको नेविगेटर बोलते हैं। तो वास्को डा गामा को नहीं आता था, वो जो अफ्रीका की कोस्टलाइन है, यूरोप से निकला और अफ्रीका की कोस्टलाइन को फॉलो करते गया और केप ऑफ गुड होप जो है उसको क्रॉस करके मेरिंदे पहुंचा, और वहां से वो वही कोस्टलाइन फॉलो कर रहा था, तो वहां के लोगों ने हंस के बताया कि वहां पे आपको लैंड ऑफ स्पाइसेस नहीं मिलेगा, स्पाइसेस चाहते हैं तो आपको समुद्र पार जाना पड़ेगा, समुद्र पार कैसे जाना उसको आता नहीं था, तो इसने वहां पे एक इंडियन नेविगेटर को हायर किया। तो वो कैसे मिल गया, क्योंकि ट्रेड चलता था, ट्रेड चलता था, तो उसको चार पांच वहां पे शिप्स मिल गई, वहां से एक आदमी मिल गया जिसने कहा कि मैं आपको भारत तक ले जाऊंगा, वो कलिकट लेके आया। अब उसने उसका उसको आता नहीं था भाई सी रूट खोजा, तो क्या उसके पास नेविगेशनल स्किल्स ही नहीं थे, जो इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल किया नेविगेटर ने जिसको बोलते हैं कमाल, आपको दिखा दूं क्या? जी 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 जी, हाँ दिखाता हूँ, मेरे सेफ में रखा होगा, एक मिनट जी। हाँ ये यहाँ कहीं रखा है, अभी कल ही मेरे को मिला। ये मिल गया, यस वेरी गुड, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, तो बहुत सरल सा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। ये दो लकड़ी के टुकड़े हैं, आपको दिख रहे हैं? जी हाँ। तो ये दो लकड़ी के टुकड़े हैं और ये सुतली लगी हुई है, और सुतली में जगह जगह पे गठान बनी हुई है। अब वास्को डा गामा उसको इसकी एक कॉपी बना के अपने साथ ले गया, उसने बोला आई वॉन्ट टू गेट इट ग्रेजुएटेड इन इंचेस। तो ये देखिए, ये जो गांठे हैं हार्मोनिक स्केल है, जैसे बांसुरी में जो छेद बनते हैं वो लीनियर स्केल नहीं होते, बराबर बराबर डिस्टेंस पे नहीं होते, तो उसके समझ में ही नहीं आया। तो इंचेस यानी कि आप स्केल बनाएंगे, लीनियर स्केल है जिससे कि नापेंगे, हार्मोनिक स्केल में नहीं नाप सकते, तो बना नहीं सकते, तो इंचेस में बनाने की बात नहीं। तो ये इंस्ट्रूमेंट लेके गया, लेकिन ये ले जाने के बाद भी उसके पास तरीका नहीं था दिन में नेविगेट, यूरोपियंस ही नहीं जानते थे, कोलंबस भी नहीं जानता था। वो जब पहुंचा क्यूबा, उसने सोचा कि वो चाइना पहुंच गया, अभी बोला अच्छा। मेरे इंस्ट्रूमेंट क्या लिखा उसने अपने जर्नल में, आई एम ऑफ द कोस्ट ऑफ कैथे, तो कुछ नहीं आता था उनको, यानी वो खाली ईस्ट गया और इतनी बड़ी शोर लाइन थी वो मिस ही नहीं कर सकता था, यानी आप बड़ा सा गोल बना दीजिए कहीं पे भी मारो लग ही जाएगा, गोल में जाएगा, तो ही कुड नॉट मिस इट। तो ये ऐसी ऐसी थी, ये ऐसी बात थी कि उनको नेविगेशन नहीं आता था, तो उसने ना हिंदुस्तान को खोजा ना ये किया, तो मेरे समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। तो ये क्यों बोलते हैं डिस्कवरी, कि उसने ये नहीं खोजा ये नहीं खोजा, तो तभी मैंने ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी के बारे में सीखा। एक बहुत अच्छा आर्टिकल था 500 ईयर्स ऑफ इनजस्टिस, ये एक वहां के नेटिव अमेरिकन ने लिखा था, जो अब क्या बोलेंगे उनको, आदिवासी बोलेंगे तो ऑब्जेक्शनेबल होगा, पहले से रहते थे तो उसको क्या कहेंगे मुझे मालूम नहीं, नेटिव इंडियन नेटिव अमेरिकन, उसने आर्टिकल लिखा था, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा कि ये 500 साल से हमारे साथ में ये अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जिनोसाइड हो रहा है। तो तब मेरे समझ में आया कि डिस्कवरी का क्या मतलब है, डिस्कवरी का मतलब है कि आपका अस्तित्व ही नहीं है, आप नॉन क्रिश्चियन हो तो आदमी नहीं हो, आप बंजर जमीन है। ये बात किसने मेरे को बताएंगे, टीचर ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया, तो उसके खोजने का मतलब था कि वो फर्स्ट क्रिश्चियन है जो आया, लेकिन वो भी गलत है, सेकंड क्रिश्चियन थे हिंदुस्तान में वो भी गलत है, लेकिन ये उसके कहने का मतलब था, कोलंबस का कहने का मतलब था कि वो फर्स्ट क्रिश्चियन है जो गया। तो ये फर्स्ट क्रिश्चियन की बात कहां से आ गई, ये जो है ये पोप के फतवे हैं, बुल बोलते हैं,
बुल बोलते हैं, और ये कई सारे फतवे हैं, कुछ चार फतवे हैं। तो पहला फतवा जो है वो डम डाइवर्सस है। तो डम डाइवर्सस में वो ये कब निकाला गया, जब ये पहले पहले जो अफ्रीका से ये बंदी बना के लाए और उनको गुलाम बनाना था। ये 1452 में हुआ, ये हुआ हाँ 1452 में, ये हुआ 1441 में वो क्रॉस किया वो जो केप है वहां का, और 1452 में ये डम डाइवर्सस को प्रोमलगेट किया। और फिर उसके बाद में ये एक बुल रोमानस पोंटिफेक्ट था, उसमें भी वही लगभग वही वर्डिंग है कि वो 1455 का है। वो 1455 का है, वो 1455 का है, तो रोमानस पोंटिफेक्ट वर्डिंग लगभग एक ही है। मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ, आपको सुनना है तो जी। तो हाँ मेरे पास होगी यहाँ पे, तो वो मैं एक मिनट, हाँ एक मिनट पढ़ के सुनाता हूँ। ये हाँ, तो क्या लिखा है इसमें कि इट डायरेक्ट्स ऑल क्रिश्चियंस टू किल एंड एनस्लेव नॉन क्रिश्चियंस एंड लूट देम एज अ मॉरल ड्यूटी। यानी वो लिखता है टू इन्वेड, सर्च आउट, कैप्चर, वैंक्विश एंड सबड्यू ऑल सारासंस एंड पेगन्स एंड अदर एनिमीज ऑफ क्राइस्ट, to reduce their persons to perpetual slavery, to apply and appropriate their possessions and goods, and to convert them to their use and profit. So, इस तरह से ये statement था, which is basically invitation to make slaves out of them. अब ये हुआ 1455 में। इसके बाद में जब ये कोलंबस गया 1492 में अमेरिका, तो उसने कहा कि मैंने डिस्कवर किया, तो ये जमीन उसने स्पैनिश किंग के नाम पे हड़प की। तो उसके लिए पोप ने फतवा निकाला, वो था बुल इंटरसेटेरा। दो थे, एक 3 मई का, एक 4 मई का, एक के बाद एक। तो पोप ने क्या किया कि एक लकीर खींच दी अपने सारे भूगोल में, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक एक लकीर खींच ली, बोला इस तरफ का हिस्सा स्पेन का, उस तरफ का हिस्सा पोर्टुगल का, सारी जमीन हमारी। और उसने कहा कि वहां पे खाली ये ध्यान रखना कि पहले से अगर कोई क्रिश्चियन रह रहा है तो उसकी जमीन नहीं हड़प सकते, बाकी सब आपका। जमीन खाली नहीं, लोग भी आपके, और सारी उनकी जो जो कुछ भी उनके पास होगा वो सब आपका है। तो ये जो चीज है ये उसने प्रोमोगेट किया। और ये कोलंबस जब पहुंचा, ये 1493 का है, ये 1493 का है। तो 1493 के वॉयज में उसके साथ लास कासास गया था, एक बार्टोलिम लास कासास था, जिसने कि फर्स्ट हैंड डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे उन्होंने वहां के लोगों को मारा। और उसका एस्टिमेट था कि पहले ही राउंड में 12 मिलियन लोगों को मारा। अब आप सोचिए 12 मिलियन लोगों को मारा, और किस तरह से मारा ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन है, बहुत ही भयानक डिस्क्रिप्शन है। तो ये कहाँ गया, ये एक मिनट ढूंढता हूँ। ये हाँ, ये है कि ये बताता है, एंड द क्रिश्चियंस विद देयर हॉर्सेस एंड सोर्ड्स एंड पाइक्स बिगन टू कैरी आउट मसाकर्स एंड स्ट्रेंज क्रुएल्टीज अगेंस्ट देम, यानी कि इंडियंस बोलते थे उनको, दे अटैक्ड द टाउन्स एंड स्पेयर्ड नाइदर द चिल्ड्रन नॉर द एज नॉर प्रेग्नेंट वुमेन नॉर वुमेन इन चाइल्ड बेड, दे लेड बेट्स एज टू हु विद वन स्ट्रोक ऑफ द सोर्ड could split a man in two, or cut off his head, or spill out his entrails with a single stroke of the pike. They took infants from their mother's breasts, snatching them by the legs and pitching them head first along the crags, or
snatched them from the arms and threw them into the rivers, roaring with laughter and saying, as the babies fell into the water, while there you offspring of the devil. They made some low white gallows on which they hang victims. Feet almost touched the ground, stringing up their victims in lots of 13 in memory of our Redeemer and his 12 apostles. Yani, this was a religious genocide. This was a religious genocide, and it's according to the definition of the UN definition of genocide, it was a religious genocide. अब इस वक्त कहना कि अरे हम तो रिप्यूडेट करा रहे, लोग तो मर गए, 100 मिलियन लोग मर गए, आप कहते हैं अभी हमको, हम कुछ नहीं करने वाले, ना हम जमीन वापस देंगे, ना हम लोगों को जिंदा करेंगे, इसलिए मैंने ट्वीट किया कि आप रिप्यूडेट कर रहे हैं तो आप वो मरे हुए लोगों को जिंदा करेंगे, क्या करेंगे, मिरेकल करेंगे? तो यानी बिल्कुल बकवास की चीज है कि वो उसका ब्लेम नहीं लेना चाहते, तो कह रहे हैं क्योंकि आजकल वो दबा नहीं पा रहे हैं, नॉलेज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया इतना आ गया है, सब लोग इस चीज की बातचीत कर रहे हैं, तो उनको तकलीफ हो रही है, और वो जो कह रहे थे कि हम दुनिया को बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो जब इस तरह का मास मर्डर किया है वो क्या बताएंगे? यानी हिटलर तो कुछ भी नहीं है इसके कंपैरिजन में। हिटलर के बिगेस्ट एस्टिमेट्स हैं 6 मिलियन, विच इंक्लूड्स ऑल द ज्यूज किल्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंक्लूडिंग दोज किल्ड इन बैटल। 100 मिलियन जाता है, 12 मिलियन तो लास्ट कासास का इनिशियल एस्टिमेट था, तो इनको बहुत ही बेरहमी से मारा, बहुत ही बेरहमी से मारा। और आज आप जाएंगे देखेंगे तो पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट घूम लीजिए, नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका, तो आपको सब क्रिश्चियंस मिलेंगे वहां पे, बहुत ही कम आपको नेटिव पॉपुलेशन मिलेगा, बहुत ही कम, यानी आपको बहुत तो वो भी जो होंगे वो स्लेव्स होंगे जो इधर उधर से लेके आए होंगे वो अफ्रीका से। नहीं, स्लेव्स अलग हैं, जो अफ्रीकन वगैरह आए हैं वो अलग हैं, जो नेटिव पॉपुलेशन है जैसे माया थे, एस्टेक्स थे, या ये इनको बोलते हैं रेड इंडियन जिनको बोलते हैं, जिनके बारे में इतनी कहानियां थी, उनको कैसे वाइलीफाई किया गया कि अपने काउबॉयज गए, कितने बहादुरी से लड़े, उनको बंदूक से उड़ा दिया, उनके पास बंदूक नहीं थी करके, तो बहुत ही मर्डरस जेनोसाइड थी, और उसके लिए देयर इज नॉट अ वर्ड ऑफ अपोलॉजी। बोलते हैं स्पैनियर्ड्स ने गलत समझ लिया, ये भी बिल्कुल झूठ है। झूठ इसलिए कि स्पेनिश लोग जो थे वो पोप का फरमान पढ़ते थे पहले, और फरमान क्या था इसको बोलते हैं रिपेंटेंस, ये आपको डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी में मिल जाएगा, ये भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि ये क्या उनका फरमान था कि वी वॉन्ट यू दैट विद द एड ऑफ गॉड वी विल एंटर योर लैंड अगेंस्ट यू विद फोर्स। बोलते हैं कि क्यों, क्योंकि गॉड हैज परमिटेड द पोप टू रूल establish himself in other parts of the world and to judge and govern all people, whether Christians, Moors, Jews, Gentiles and so on. He is called the Pope, and one of the past popes, he gave these islands to the King of Spain. So I'm skipping that part. We warn you that with the aid of God we will enter your land against you with force. We will make war in every place and by every means we can and are able, and we will then subject you to the yoke and authority of the church and their highnesses, that is their kings. We will take you and your wives and children and make them slaves, and as such we will sell them and we will dispose of you and them, and we will take your property and we will do to you all harm and evil we can, as is done to the vassals who will not obey their lord and who do not wish to accept him or who resist and defy him. We avow that the deaths and harm which you will receive thereby will be your blame, your own blame, and not that of their highnesses, which is the Spanish king, nor ours, nor of the gentlemen who come with us. Yani, point is ki Pope has given us a free hand. Jo karna hai unke saath karo. Not only snatch the land, kill them, do whatever you like with their wives, with their children, with anything. And they are announcing it, they are reading it out. It's called requisition. They read it out कि भाई आप मानते हो कि नहीं, नहीं मानते तो हम ऐसे ही मार डालेंगे। It's a very very horrible crime. It's the biggest crime against humanity known to humankind. इससे बड़ा कोई क्राइम हुआ नहीं है, हिटलर विटलर कोई इसमें काउंट में नहीं आते। तो this is what happened and that is why, and the same thing happened in Australia. वो वहां पे aborigines को दबा देते थे, they used to kick their heads off and compete कि किसका सर पहले गिरेगा।
And there also everything now you go, there are none of them left. बोलते आयास रॉक बोलते हैं उनका जो सीक्रेट रॉक था उसको अप्रोप्रिएट कर दिया और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया. सो दे हैव अप्रोप्रिएटेड एवरीथिंग. और आप जाके देखेंगे जैसे ये मेक्सिको में देखेंगे तो मेक्सिकन पिरामिड्स हैं, पिरामिड के ऊपर चर्च बनाया जस्ट टू शो दैट यू आर इंफीरियर. आप जाके देखेंगे कुस्को में, पेरू में, कुस्को में शहर के बीचों बीच वो बहुत ही सुंदर एक इनका टेम्पल है, उसके ऊपर चर्च बनाया, वो भद्दा सा चर्च है, उनको बनाना भी नहीं आता था अच्छे से. तो इस तरह से अत्याचार किया है. यानी आप कहते हैं तोड़ो, तोड़ते तो थे मंदिर, वो अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर दिखाएंगे आपको नीचे दिखाने के लिए. अभी तक वो मौजूद है, मेरे पास फोटो है उसकी. तो ये इस तरह से किया. तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी कि इन्होंने कह दिया कि इसी के साथ इन्होंने वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्विजिशन भी लगाया था. नहीं नहीं, इंक्विजिशन अलग थी, इंक्विजिशन पहले था. क्योंकि इस तरह की डॉक्ट्रिन क्यों लगाई, क्योंकि चर्च जो था इतने सालों से, इतने सदियों से ये मजहबी जंग लड़ रहा था, क्रूसेड्स. तो मजहबी जंग लड़ रहा था और उस मजहबी जंग में जब वो जीते तो जो लोग हार गए उनको कन्वर्ट करते थे. ये तो यूरोप की बात है, यूरोप की बात है, और ये 500 साल पहले की बात है, 400-500 साल पहले की बात है. तो उसमें जो हारे उनको कन्वर्ट करते थे. जैसे उनको टोलेडो मिल गया तो जितने लोग थे उनको कन्वर्ट करना था या फिर छोड़ के जाना था. तो ज्यूस थे, मुसलमान थे, सब जो थे उनको या तो भगा दिया या कन्वर्ट कर दिया. अब फिर ये किया कि भाई तुमने कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन तुमने सचमुच में कन्वर्ट किया कि नहीं, कहते हो कि मजहब बदल गया. तो उसमें ये देखते थे, दूर से देखते थे कि कोई फ्राइडे के दिन ये मांस खा रहा है नहीं खा रहा है, ये पोर्क खा रहा है कि नहीं, सुअर का मांस खा रहा है नहीं खा रहा है, मना कर रहा है. तो इस तरह से वो जज करते थे. तो इंक्विजिशन वाज मेंट फॉर दैट. लेकिन असली कारण क्या था कि वो उनका धन हड़पना चाहते थे. तो किसी के साथ कुछ भी एलिगेशन कर दो और फिर उसको मार दो और उसकी उसका धन छीन लो. तो दिस वॉज दी टेक्निक. तो इंक्विजिशन था, ये इतना हार्डेंड हो गया था चर्च, यानी इस तरह का फरमान कैसे निकाला, क्योंकि ये 400 साल का जो मजहबी जंग चला और जो उसके बाद इंक्विजिशन चला और जो उनके पब्लिक टॉर्चर्स होते थे, विचेस को जलाते थे पब्लिकली, हेरेटिक्स को जलाते थे. अपना ब्रदर्स करामजोव में ये डॉस्टोयेवस्की बताता है, 1000 फायर्स आर बर्निंग, 1000 के संख्या में सबको जला रहे, जो भी डिसिडेंट था उनको जला देते थे. तो इस तरह से जा और पब्लिक देखती है, और जब देखती है इस तरह की चीज तो डिसेंसिटाइज हो जाती है कि उसके बाद में कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता है. तो ये लोग कैसे कर सकते थे, इसलिए क्योंकि वो डिसेंसिटाइज थे. उनको लगा जब वो फेंक रहे हैं बच्चे को, बोल रहे हैं वाइल्ड है जो ऑफस्प्रिंग ऑफ द डेविल, यानी उनको लगता है कि बहुत ही धार्मिक काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा धार्मिक काम कर रहे हैं. तो इस तरह से उनका हार्डनिंग हो गया, इस तरह से चर्च ने निकाला. और इन सब चीज की कोई ये नहीं कि वो कह रहे हैं कि भाई ये कॉलोनाइजर ने किया, बिल्कुल झूठ बात है. क्योंकि लास्ट कासास ने ऑब्जेक्ट किया कि भाई ये लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्यों आप इनको मार रहे हैं. और उसके ऊपर डिबेट हुई, बड़ी सी डिबेट हुई स्पेन में 1550 के आसपास. और उसमें ये सब चीजें डिस्कस हुई कि भाई क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो इविल है. क्यों इविल है, क्योंकि क्रिश्चियन नहीं है और उनको कन्वर्ट करना चाहिए, और नहीं करते तो मार डालना चाहिए. तो इस तरह से ये सारी चीजें हुई ये 16th सेंचुरी में. लेकिन इसको समझने के लिए एक चीज और चाहिए कि जिनोसाइड की हम बात कर रहे हैं, और ये जिनोसाइड बहुत मैनिफेस्ट है, लेकिन इसके साथ साथ स्लेवरी भी करी. क्योंकि पहले जब फरमान निकला वो स्लेवरी के लिए निकला, और वो क्यों निकला, इसलिए नहीं निकला कि वो काले रंग के थे, नस्ल की बात नहीं हुई थी, खाली मजहब की बात हुई थी. उनको इसलिए एनस्लेव करो, उनको इसलिए गुलाम बनाओ कि वो क्रिस्तानी नहीं है, इसलिए नहीं कि वो काले हैं. तो ये जो स्लेवरी थी, जब ये काला गोरे का फर्क जो है उस समय नहीं था. तो जो यूनिक चीज है अमेरिका में, दोनों कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहा हूं, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, तो वहां पे ये जो बात निकली कि उस समय जब उन्होंने ट्रेड चालू किया,
इनको गुलाम बनाया, क्योंकि लैंड तो मिल गया आपको प्रोड्यूस करने के लिए, लैंड से आपको धन नहीं मिलेगा जब तक कि आपके पास लेबर नहीं है, तो लैंड भी मिल गया, लेबर भी मिल गया स्लेव्स के थ्रू, गुलाम थे। तो उसके बाद उनका ये कहना था कि अब वो कन्वर्ट हो गए, जो अफ्रीकी लोग लेके गए उनको बोला कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट हो गए। अब कन्वर्ट हो गए तो अब सवाल आया कि कैसे उनको आप गुलाम बना सकते हो, क्या जस्टिफिकेशन क्या है, मॉरल जस्टिफिकेशन क्या है, मारा ये सब किया वो एक बात है, उसके लिए मॉरल जस्टिफिकेशन दिया वो दूसरी बात है, एथिकल जस्टिफिकेशन दिया वो बस दूसरी बात है। तो वो जस्टिफिकेशन क्या था, तो तब उन्होंने खोज के निकाला, बोला कि हाँ ठीक है ये अफ्रीकी काले हैं क्योंकि उनको श्राप मिला है काले होने का, कर्स ऑफ हैम, कर्स ऑफ हैम या कर्स ऑफ हैम, तो इसलिए वो काले हैं इसलिए उनको गुलाम रहना चाहिए, तो चाहे वो बदल जाएं चाहे वो क्रिश्चियनी बन जाएं लेकिन वो नीचे हैं और उनको गुलाम बनाना सही काम है। और कितने बर्बरता से उनके साथ में बर्ताव करते थे, यानी आपने अगर पढ़ा है अंकल टॉम्स कैबिन या ये कुछ भी उस जमाने का, बहुत ही हॉरिबल है स्लेव्स को, और इतने वो यानी कितने गिरे हुए थे, वो जो औरतें थी उनके साथ सोते थे और जो बच्चे पैदा होते थे उनको भी स्लेव बना के बेच देते, अपने खुद के बच्चों को, सोचिए क्या उनका स्टैंडर्ड, उनको बेच देते थे एज गुलाम। ये गोवा में भी इंक्विजिशन हुआ था 1561 से लेकर 1812 तक, गोवा में भी इंक्विजिशन हुआ, तो ये इंक्विजिशन तो उनकी स्टॉक टैक्टिक है, ये 4th सेंचुरी से चला आ रहा है। यानी बेसिक चीज हमको समझना है कि चर्च हैज वेज्ड अ रिलीजियस वॉर, कंसिस्टेंटली वेज्ड अ रिलीजियस वॉर, लेकिन उसमें हमको ये भी समझना है, तो ये रिलीजियस वॉर में पहला क्या है, उनके सारे टेम्पल्स तोड़ दो, ये उन्होंने रोमन एम्पायर में किया, सबसे पहले रोमन एम्पायर में सारे टेम्पल्स तोड़ दिए, पेगन टेम्पल्स, तो वही प्रैक्टिस सक्सेसफुल थी करके उसी चीज को गोवा में किया, उसी चीज को सारे के सारे हिंदू टेम्पल्स थे सब तोड़ दिए, और उसके लिए अपने फ्रांसिस जेवियर, उसने कहा बहुत अच्छा काम किया, उसको सेंट बना दिया। तो ये करीब गोवा में 1541 तक तोड़ दिए, और वो गोवा उनको मिला क्योंकि अंदर से उनको मदद मिली, नहीं तो वो कहाँ से कर पाते, अंदर से मदद मिली वो उसकी लंबी कहानी है, तो ये हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये इंक्विजिशन एक चीज है, टॉर्चर किया ये एक चीज है, और ये जेनोसाइड किया ये दूसरी चीज है। ये जेनोसाइड, इस तरह का जेनोसाइड तो बिल्कुल इट इज एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो उसके लिए कुछ पनिशमेंट मिलना चाहिए कि नहीं, ये रिलीजियस जेनोसाइड है, और उसके लिए क्या पनिशमेंट, हम बोले अरे नहीं नहीं हमारा कुछ नहीं था, हम तो अभी मना कर रहे हैं, तो मर गए वो क्या है आपको, हमको जमीन मिल गई, अब हमको क्या लेना देना उनसे, हमको गिल्ट नहीं चाहिए कि हमने गलत काम किया, तो इसके लिए उन्होंने अभी रिपुडिएट किया। अब ये देखिए ये जो रिपुडिएट कर रहे हैं इसमें हमारे तरफ से और भी एक चीज है कि ठीक है वो आप लैंड अभी वापस नहीं देंगे, ये करेंगे, वो व्हाइट वॉश कर रहे हैं, लीपा पोती कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उसको अभी एक तरफ रख दें, लेकिन एक सब्सटेंशियल चीज है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी ये खाली लैंड के लिए नहीं अप्लाई, लैंड और लेबर, जेनोसाइड एंड स्लेवरी दोनों को मिला के किया। उसके बाद हम कॉलोनियलिज्म को देखें, तो जो उन्होंने व्हाइट ब्लैक, पहले क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन था, फिर जब स्लेवरी हो गई और स्लेव्स कन्वर्ट हो गए, फिर ये व्हाइट ब्लैक हो गया, लेकिन जब वो हिंदुस्तान आए तो ये चीज को डायरेक्टली उन्होंने नहीं अप्लाई किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि एक आर्यन नस्ल की एक फैंटेसी थी कि हमारे पहले ये आर्यन नस्ल के लोग आए, जैसे गोविंदो ने कहा वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण बन गए, उन्होंने वेद बनाया, वही आर्यन थे, उन्होंने द्राविडियंस को भगा दिया, तो इस तरह से एक पूरी काल्पनिक चीज उन्होंने खड़ी कर दी। लेकिन उसके कारण वो ये नहीं कह सकते कि भाई हम आपके ऊपर शासन इसलिए कर रहे हैं कि आपकी नस्ल गलत है या आपका धर्म गलत है, तो उन्होंने कहा कि वी आर सिविलाइजेशनली सुपीरियर, तो सिविलाइजेशनली सुपीरियर यानी हम वेस्ट हैं। तो ये जो बात कही, ये मैकॉले ने क्या कहा, हमारे पास साइंस है, सिविलाइजेशनली सुपीरियर, आपके पास नहीं है, झूठ कहा वो अलग बात है, अभी आ रहा हूं झूठे इतिहास पे आ रहा हूं, लेकिन कहा ये जस्टिफिकेशन ये था, तो इसलिए आपको हमारी नकल करना चाहिए। अब वो जो है वो झूठ था, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी आती है,
कि जब वो कहते हैं कि फर्स्ट क्रिश्चियन टू साइट अ पीस ऑफ लैंड बिकम्स इट्स ओन, ये इसका जो लीगैलिटी है, ये लीगैलिटी इसमें ये पोप ने किया, लेकिन ये भी कहना चाहूंगा ये रोमन कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में फर्क नहीं है, ये यूएस सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया। जब एक अपना नेटिव अमेरिकन है वो गया कोर्ट, उसको लगा कि कोर्ट से उसको न्याय मिल जाएगा, तो उसने कहा भाई ये हमारी जमीन थी, आप हमको दे दो वापस। तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि भाई ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी है, अब हमारी जो लॉ है यानी कि यूएस लॉ, ऐसा कोर्ट कह रहा है कि यूएस लॉ जो है वो ब्रिटिश लॉ से आई है। तो ब्रिटिश लॉ क्या थी, तो ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट थे, लेकिन उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी मान ली, कैबट्स करके भेजा डिस्कवर करने के लिए लैंड। अब ब्रिटिश लैंड भी तो है ना अमेरिका में, स्पेन वगैरह ज्यादा साउथ अमेरिका सेंट्रल अमेरिका में गए, ब्रिटिश वगैरह नॉर्थ अमेरिका में गए, और फ्रेंच वो और भी कैनेडा वगैरह में गए। तो इस तरह से उन्होंने कहा ये सब के सब दे एक्सेप्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट डॉक्ट्रिन वंस यू आर डिस्कवर्ड, वंस अ क्रिश्चियन साइट्स यू, यू लूज योर राइट टू लैंड, यू ओनली हैव द राइट टू एग्जिस्ट देयर एंड नो लॉन्गर द राइट टू ओन द लैंड, एंड देयरफॉर यू हैव लॉस्ट द लैंड, यू कांट गेट इट बैक। और ये अभी भी यूएस लॉ है, जॉनसन एंड वीट, जॉनसन एंड क्या है, एक मिनट देखता हूँ, ये हैव द रेफरेंस हियर, भूल गया, जॉनसन 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 कहाँ है, तो रेफरेंस मेरा एक आर्टिकल है इस पे, डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी, काफी कई साल पहले लिखा था, तो उसमें ये साइट किया है, ये केस है जॉनसन एंड ग्राहम लेसी वर्सेस मैकिंटोश 21 यूएस 8 वीट वगैरह वगैरह। तो ये बहुत फेमस केस है, ये 1850 के आसपास का है, 1850 के आसपास का है शायद, 1823 का केस है। तो इन्होंने ये इस पे ठप्पा लगा दिया कि भाई होगी वो रिलीजियस डॉक्ट्रिन, लेकिन ब्रिटेन ने एक्सेप्ट किया, देयरफॉर इट इज ट्रेडिशनल लॉ, देयरफॉर इट इज आवर लॉ, वी इनहेरिटेड फ्रॉम ब्रिटेन, एंड देयरफॉर यू नो लॉन्गर हैव द राइट टू लैंड, एंड दैट इज स्टिल द करंट लॉ। वी उसको कब रिपील करेंगे, कैसे रिपील करेंगे, क्या करेंगे, वो देखना पड़ेगा। तो खैर मैं ये कह रहा हूं डॉक्टर राजू, ये चाहे ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी हो, चाहे कॉलोनियलिज्म हो, और आपका कर्स ऑफ हैम हो, या इसके सबके मूल में तो चर्च का वही सुपीरियरिटी डॉक्ट्रिन है जो उन्होंने शुरू में ही प्रोमलगेट किया था, जब भी जैसे ही रोमन एम्पायर उनके हाथ में आई और उसके बाद फिर उन्होंने जो पॉलिटिकल पावर यूज़ करना शुरू किया, तो उसके बाद से ही उन्होंने ये कर दिया था, और वो तो आज तक जारी है। आज भी वो नॉन क्रिश्चियंस को ईविल बोलते हैं, डेविल बोलते हैं, सेटन बोलते हैं, ये चाहे प्रोटेस्टेंट हो चाहे कैथोलिक हो, और इसी तरह से वो धोखेधड़ी से कन्वर्शन करते रहते हैं, आज भी कर रहे हैं, इंडिया में भी कर रहे हैं। नहीं, ये जो इश्यू है सुपीरियरिटी, हमको समझने की जरूरत है कि जो डॉक्ट्रिन, पहली बात है क्रिश्चियन ट्रायंफलिज्म है भाई, जब आप मजहबी जंग करते हैं, जंग करते हैं तो आपका मकसद होता है जीतना, तो ये क्रिश्चियन ट्रायंफलिज्म है कि भाई हम पूरे दुनिया में राज करेंगे, एंड दिस हैज बीन एन ऑब्जेक्टिव, और ये अपना आर्नल्ड टॉइनबी या फ्रांसिस फुकुयामा भी बोलेंगे, तो ये एक बात हो गई। लेकिन उसको ये म्यूटेट हुई, तो जो क्रिश्चियन सुपीरियरिटी थी इट म्यूटेटेड टू वाइट सुपीरियरिटी, और कॉलोनियलिज्म में जिससे कि हमको मतलब रखना चाहिए सबसे ज्यादा, इट म्यूटेटेड टू द आइडिया ऑफ वेस्टर्न सुपीरियरिटी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिससे, यानी एक चीज तो ये हो गई कि वहां के जो लोग हैं वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे लैंड का क्या होगा, वो एक चीज है, दे हैव ऑलमोस्ट बिकम पॉलिटिकली इनएफेक्टिव। लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है, हमारे साथ क्या हुआ, हमको बोला वी आर सुपीरियर, यू इमिटेट अस, वेस्ट इज सुपीरियर, ये नहीं कहा कि क्रिश्चियंस आर सुपीरियर, ये कहा कि वेस्ट इज सुपीरियर, दीज थिंग्स आर लिंक्ड, तो वेस्ट इज सुपीरियर, यू इमिटेट अस, उसमें किस आधार पे कहा कि हमारे पास साइंस है, वो किस आधार में कहा कि उन्होंने हिस्ट्री को फॉल्सिफाई किया, तो हिस्ट्री को कैसे फॉल्सिफाई किया, एक तो क्रिटिसाइज के जमाने में किया कि ग्रीक्स ने किया,
सब जो उन्होंने अरब से और मुसलमानों से जो नॉलेज लिया, ज्ञान लिया, उसको सब बताया ग्रीक से, फिर हमसे भी लिया। कैलकुलस की बात चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज की तारीख में। तो कैलकुलस का श्रेय हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट किसको देती है? न्यूटन को देती है, कि न्यूटन ने डिस्कवर किया। अब न्यूटन भी जो लाइबनिट्ज के साथ लड़ता है, वो क्यों लड़ता है? क्योंकि ये यहां से सब टेक्स्ट को लेके गए, लेके गए, और फिर जब वो आपका आपको मार डालने को तैयार हैं, तो आपको क्रेडिट क्यों देंगे? तो वो जो है कि कैलकुलस न्यूटन ने किया, इसको हम मान के चल रहे हैं। अब ये खाली क्रेडिट की बात नहीं है, ये है कि उसने लिया, उसके समझ में नहीं आया ठीक से, क्योंकि चोरी करता है। जो नॉलेज थीफ होता है, जो ज्ञान की चोरी करता है, उसको ज्ञान ठीक से समझ में नहीं आता है, कुछ कुछ समझता है। यानी जो नकल करता है, उसको कुछ कुछ समझता है क्या नकल कर रहा है, पूरी अच्छे से नहीं समझता। तो इनके समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। और हम ये मान के चले कि वेस्ट इज सुपीरियर। भाई हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखिए किसको बुलाया हमने, बुलाया अपने मंजुल भार्गव को। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसटन में है, क्योंकि उसको फील्ड्स मेडल मिली, वो फॉर्मल मैथमेटिक्स करता है, तो वो सही है, वो सुपीरियर है। हमारे लोग में हमको विश्वास नहीं है, वो देसी चीज है, बेकार चीज है। तो ये सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी ट्रांसफॉर्म हो गए फ्रॉम क्रिश्चियन सुपीरियोरिटी टू वेस्टर्न सुपीरियोरिटी, और उसको हम मान के चल रहे हैं। दिस इज अ वेरी की एस्पेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, एंड दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी जो हमको इफेक्ट करती है, कि हम आज की तारीख में अपनी अपना सिलेबस अपना नहीं बदलना चाहते, अपनी पाठ्य पुस्तक नहीं बदलना चाहते हैं। हम ये बात भी नहीं करना चाहते हैं कि भाई हमारे पास गणित था, उनके पास फॉर्मल मैथमेटिक्स था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फॉर्मल मैथमेटिक्स की जो फिलोसफी है वो चर्च की फिलोसफी है, जो रीजनिंग है। क्योंकि चर्च की फिलोसफी में क्या था कि आप अनुमान लगाओ, लेकिन अनुमान किस आधार पे? हिंदुस्तान में भी अनुमान था, अनुमान था प्रत्यक्ष के आधार पर, लेकिन चर्च तो सब फैंटेसी करता है भाई, हेवन है, हेल है, वर्जिन बर्थ है, गॉड है, इसलिए ये सब इसमें प्रत्यक्ष क्या दिखाएंगे? तो प्रत्यक्ष है नहीं, तो उन्होंने प्रत्यक्ष को वर्जित कर दिया। अब प्रत्यक्ष को वर्जित कर दिया तो कुछ भी निकाल सकते हैं, तो क्या है, पूरी अथॉरिटी पे डिपेंड हो गया, है ना। सबका सब शब्द प्रमाण है, जो पश्चिमी आदमी बोलता है वही सच्चा है मैथमेटिक्स में। तो ये हमको इफेक्ट करता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी। और मैंने ये सवाल उठाया कि अगर आप डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी वापस ले रहे हैं, तो क्या आप ये इतिहास भी बदल दोगे? क्या क्या आप इसकी फिलोसफी भी बदलने को तैयार हो? क्योंकि उसकी हमको सबसे ज्यादा जरूरत है। लैंड गया तो गया, है ना, जिसका गया वो लड़ेगा, लेकिन ये तो हमारे से छीना जा रहा है और बाकी दुनिया से भी छीना जा रहा है, तो इसके लिए हमको लड़ने की जरूरत है। तो ये जो बात आ जाती है कि ये सुपीरियोरिटी को लेके ट्रायंफलिज्म था, सुपीरियोरिटी थी, लेकिन वो म्यूटेट होती गई, सटल तरीके से म्यूटेट होती गई। तो उसको सब चीज को यानी जैसे व्हाइट सुपीरियोरिटी, इसका क्या कनेक्शन है, कन्वर्ट हो गए, तो इसलिए उनको क्रिश्चियन बना के गुलाम नहीं रखा जा सकता, क्रिश्चियन नहीं है कह के गुलाम नहीं रखा जा सकता। अब वेस्ट आए तो उनको ये कह के कि भाई आप अलग नस्ल के हो, ये तो नहीं कहा, तो कहा कि हमारा सिविलाइजेशन सुपीरियर है। और क्यों सुपीरियर है? क्योंकि हम झूठा इतिहास लिखा है। तो ये जब भी मजहबी जंग होता है, उसमें झूठा इतिहास प्रोपेगेंडा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्योंकि मजहबी जंग में ये अपने हथियार तो इस तरह से नहीं इस्तेमाल होते हैं, प्रोपेगेंडा ही सबसे बड़ा हथियार है इसका। तो उसमें झूठा इतिहास लिखना, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी में जैसे कोपरनिकस ने डिस्कवर किया कुछ, या न्यूटन ने डिस्कवर किया, ये सब पहले के थे। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी अलग अलग मॉडल है, इंक्विजिशनल मॉडल है। कोपरनिकस का एक्चुअली इंक्विजिशनल मॉडल, वो इंक्विजिशन के ज़माने में था, तो उसको डर था कि अगर वो कुछ कहेगा तो वो पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। लेकिन न्यूटन इंक्विजिशन के ज़माने के बाद का था, तो डिस्कवरी मॉडल था कि जो कुछ आया है, हम क्रिस्तानी हैं तो ये हमारा है, उनका नहीं हो सकता। और उस चीज पे हम अभी भी, ये इसको 500 साल हो गए हैं और हम टिके हुए हैं, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो भारत से जो जो चीज़, जो जो नॉलेज और जो जो ज्ञान वो यहाँ से लेके गए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जो कहा जाता था, यहाँ तो जैसे वो संस्कृत में एक श्लोक है कि न चौरहार्यम न भ्रातृभाज्यम न राजहार्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो यहाँ तो विद्या के धन को एक फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करने की, सबको बांटने का एक ये प्रचलन था।
उसका लाभ उठा के ये जिसको ले गए और उसको वहां पर पेटेंट कर लिया अपने नाम से। ये जो चोरी है, झूठा इतिहास लिखा, पेटेंट अभी की तो था, उस जमाने में पेटेंट नहीं था, अपने नाम लिख लिया, न्यूटन का था, इसका था, उसका था, करके बोली बोली आगे बोली। जी जी वही कह रहा हूं मैं कि ये जो चोरी है ये भी तो एक डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी का ही एक फैसेट है। हाँ है ना, क्योंकि वो जब कह रहे हैं कि डिस्कवर किया, न्यूटन ने डिस्कवर किया, किसका क्या मतलब है, क्योंकि ये हिंदुस्तान में था, इसका सबूत है। अब वो सबूत को डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि 20 साल से ये बात चल रही है, क्यों नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक तो ये बात है अक्ल नहीं है, दूसरी ये बात है कि वो आपको मानने को ही तैयार नहीं है, डिस्कस नहीं करेंगे, खाली बोल देंगे आप हिंदुत्व फैनाटिक हो। अब ये जो जनरल पर्पस चीज है, यानी जो सड़क का कुत्ता जैसे लड़ता है उस तरह से उनके टॉप स्कॉलर्स करते हैं, तो क्या होगा, यानी इतनी बड़ी किताब लिखी आपने, देखी है कल्चरल फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स, अगर आपको कुछ कहना है तो आप उसके खिलाफ कुछ कहें कि भाई ये चीज उसमें गलत है, हम एक्सक्लूड कर देंगे, हमको देखना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप हमारे खिलाफ बोलते हैं तो आप फैनाटिक हो। तो ये जो हिस्सा है ये चर्च फैनाटिसिज्म है और उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, और हम ये डिस्कस भी करने को तैयार नहीं है। जैसे ये बात हुई कि कौन सी फिलॉसफी सही है, गणित की कि मैथमेटिक्स की, फॉर्मल मैथमेटिक्स की, इसके बारे में कम से कम एक डिस्कशन तो हो जाए, एक चर्चा तो हो जाए। हमको चर्चा करने में इतने डर लगता है कि भाई ये हमारा मालिक है, उसके खिलाफ हम कर रहे हैं, कोई भी चर्चा होगी उसके खिलाफ होगी, तो इतना डर क्यों लगता है, वो डर जो हमारे में बिठा दिया है। यानी पहले जो थे ना, वो जो बोलते थे ये कि आप हेलफायर एंड ब्रिमस्टोन, डर लगता था लोगों को, अभी मैथमेटिक्स बोलते हैं तो डर लगता है लोगों को, तो बात ही नहीं करेंगे। तो ऐसी कुछ बात हो गई है कि इतना घबराते हैं लोग कि बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो नुकसान हो रहा है आज की तारीख में, उसके बारे में हमको सोचना चाहिए, ये बहुत ही गहरा नुकसान हो रहा है और इससे हमको रिकवर करना चाहिए। और इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी है, न्यूटन का डिस्कवर किया कैलकुलस, ये बिल्कुल झूठी बात है। डिस्कवर इसलिए किया कि वो फर्स्ट क्रिश्चियन था, जिसको कि वो फर्स्ट नहीं था, कैवेलियरी था, वो खुद नहीं कहता कि मैंने किया फर्स्ट, लेकिन वो लाइबनिट्ज़ के बारे में कहता है कि ये चीज मैंने पहली समझी तो ये मेरी हो गई, क्योंकि ये टेक्स्ट जो गए वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, एक उनको 50 साल लग गया, 60 साल लग गया डिस्ट्रीब्यूट करने में, लोगों के समझ में नहीं आया, तो पास्कल के पास गए, फर्मा के पास गए, कैवेलियरी के पास गए, फिर वो गए फाइनली प्रोटेस्टेंट, ये पहले रोमन कैथलिक्स के पास गए, फिर ये प्रोटेस्टेंट्स के पास गए, तो ये न्यूटन और लाइबनिट्ज़ प्रोटेस्टेंट्स है, तो ये उनका भी अंदर का झगड़ा है, इसलिए प्रोटेस्टेंट्स को श्रेय देना चाहते हैं। तो न्यूटन और लाइबनिट्ज़ के पास में काफ़ी देर बाद गए, तो ये 1660s की बात कर रहे हैं, तो तब तक बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कर लिया था उसके साथ, केपलर से लेके कैवेलियरी तक। तो ये खैर बात इसकी नहीं है कि श्रेय किसको दिया जा रहा है, बात इसकी है कि सही क्या है, कि जिसने चोरी की उसके समझ में नहीं आया, न्यूटन फ्लक्शंस की बात करता है उसके समझ में नहीं आया, तो ये चोरी तो एक्नॉलेज करें भाई, आपने लैंड चोरी किया वो एक बात है, आपने ज्ञान चोरी किया वो दूसरी बात है, ज्ञान चोर आसानी से बचता नहीं है, लेकिन हमको ये सिखा दिया कि वो सुपीरियर है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेस्टर्न सुपीरियरिटी, तो हमने मान लिया, तो इससे हमको बचना है। ये सही बात तो ये है कि अगर ये सच में जी सच में और एक ये कहें कि बिल्कुल सत्य निष्ठा से इसके बारे में एक्नॉलेज करना चाहते हैं, गलतियां स्वीकार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो जो इनका मूल डॉक्ट्रिन है जिसमें दूसरों को ये इन्फीरियर मानते हैं और जिसको कहते हैं कि क्राइस्ट के बगैर कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता और उसके लिए लोगों का कन्वर्ट होना आवश्यक है, तो ये जो कन्वर्शन का सिद्धांत है उसको समाप्त करें, वरना ये सब तो बेकार की बातें हैं, बकलोली है जिसको हम कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप दांते को देखेंगे तो वो जो डिस्क्राइब करता है कि मोहम्मद को नरक में भेजा गया, उसके साथ क्या क्या सलूक होता है, तो ये देखा है आपने दांते डिवाइन कॉमेडी, देखिए आप पढ़िए, बहुत ही हॉरिबल है, बताने में मेरे को शर्म आती है, आप खुद ही पढ़ लीजिए। जी तो यस है, ये है और ये ट्रायंफलिज्म है, और ये ऐसा नहीं था जो डॉक्ट्रिन ऑफ लव बोलते हैं वो पहले था। बेसिक मंडा मैं बता दूं कि भाई चर्च है और क्रिश्चियनिटी, चर्च इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन,
तो चर्च द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो जैसे जैसे समय के साथ वो बदलता जाता है और उसने कब्जा कर लिया है रिलीजन पे। तो ये जो पॉलिटिक्स, और ये बहुत सालों से हो चुका है, ये हुआ 4वीं सदी के आसपास, यानी जो पहली काउंसिल ऑफ निसा थी जो 325 में हुई, उसके बाद जो इन्होंने रोमन एम्पायर को कैप्चर कर लिया, तो एक बार रोमन एम्पायर उनके हाथ में आ गया करीब 330-332 ऐसे आसपास कॉन्स्टेंटिन के मरने के बाद, तो पूरा एम्पायर उनके हाथ में आ गया। तब से ये पूरा जो है रिलीजन एंड स्टेट हैव गॉट कम्प्लीटली मिक्स्ड अप। तो ये तब नहीं कह सकते थे कि, पहले तो कहते थे ऑल पीपल आर इक्वल, जो पिगन बिलीव थी, अब ये नहीं कह सकते थे। तो इसलिए पॉलिटिकल कंपल्शन से इन्होंने चेंज किया और तब से ये पॉलिटिक्स चले आ रही है। तभी उन्होंने सब जो मंदिर डिस्ट्रॉय किए, तभी इन्होंने सब झूठा इतिहास शुरू किया अपना ट्रायंपुलिज्म दिखाने के लिए, तो ये सब चीज़ तभी से चले आ रही है। और तब से, और देखिए ये बात जो है कि हमारे बीच में भी ये जो इनकी डॉक्ट्रिन ऑफ रिलीजियस वॉर है, हमारे बीच में भी ये सब दूर ये रिलीजियस डिवाइड क्रिएट कर चुके हैं। जहाँ पे भी कॉलोनियलिज्म गया, ये करीब आप देखें 1920 के आसपास बहुत डिस्परेट थे, पहले से ही 1780 से उन्होंने स्टार्ट किया कि भाई हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ होना चाहिए, क्योंकि ये रिलीजियस डिवीजन था। जैसे मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे रिलीजियस डिवीजन है, एक तरफ ज्यूज हैं, या आप कॉलोनियलिज्म लेबनान में देखेंगे, फ्रेंच कॉलोनियलिस्ट गए तो क्या उनका एक जन स्पीकर रहेगा, कुछ शिया रहेगा और प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो सुन्नी रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा वो मैरोनाइट क्रिश्चियन रहेगा, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि इस तरह से होगा। तो पूरा जो डिवीजन है ये बिल्कुल जानबूझ के उन्होंने इस तरह का रिलीजियस डिवीजन किया, और इससे आप देख रहे हो कि सारा मिडिल ईस्ट में कितने कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। और इनफैक्ट अभी पहली बार ये हुआ कि चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक समझौता करवा दी, एक शिया है एक सुन्नी है, तो दोनों के बीच में एक समझौता करवा दी कि भाई एक एम्बेसी तो खोल लें, कम से कम बात तो करें, नहीं तो बहुत ही ये पूरी स्ट्रेटजी इनकी रही है। और ये खाली उस जमाने की नहीं, अभी भी स्ट्रेटजी है, मिडिल ईस्ट की स्ट्रेटजी यही है, इतना क्यों ये होता है। तो सब दूर इन्होंने इस तरह से रिलीजियस डिवीजन करके झगड़ा किया, झगड़ा करवाया, और फिर दोनों साइड को पैट्रनाइज करेंगे, दोनों के बीच में झगड़ा कराओ, हम तो दोनों के दोस्त हैं, आप हमारे पास आओ, देखो हम आपको बताएंगे क्या करना है, हम आपकी मदद करेंगे। तो ये मालूम नहीं क्यों लोगों के समझ में नहीं आया ये स्ट्रेटजी, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है लेकिन समझ में नहीं आया लोगों के, अब क्या करें। आज की चर्चा फिर हम अब यहीं पर विराम देंगे, और ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि ये पोप ने जो कुछ अभी किया है ये सिर्फ एक वाइट वॉश है और लोगों को मूर्ख बनाने का एक तरीका है, और इसमें किसी भी प्रकार के कोई सत्यनिष्ठा या किसी भी प्रकार की सिंसियरिटी नहीं है। अपना इमेज को वो बढ़ा रहे हैं, उसके केयर कर रहे हैं, इमेज को एक बनाने का एक बता रहे हैं, क्योंकि प्रयास है। पहले जो था उनका नॉलेज पे कंट्रोल था, तो वो दबा सकते थे चीजों को, अभी भी दबाने की कोशिश करते हैं, जैसे मेरे आर्टिकल को सेंसर किया साउथ अफ्रीका में, लेकिन लीक हो जाता है। अब ये जो आप नॉलेज कंट्रोल करते हो तो ये उसके समान है कि बांध आपने बना के रखा है, तो एक छोटा सा लीक हो जाएगा तो डर लगता है कि पूरा का पूरा बांध गिर जाए, तो ये डर हमेशा लगा रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजू आज की चर्चा के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।